हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से जो है आप मीडियाफायर में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने का बेनिफिट क्या है, मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ। तो अकाउंट क्रिएट करने का बेनिफिट यही है, मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ एक फाइल को शेयर करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी इमेज को शेयर करना चाहते हैं, तो वो आपका खुद का लिंक से वो डाउनलोड करें। तो ऐसे केस में आपको मीडियाफायर का अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से जो है अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइज कर लेना है इसको। तो डेस्कटॉप साइज कर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है मीडियाफायर लॉगिन। तो यहाँ पे देखिए मीडियाफायर लॉगिन आ चुका है, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना के रखा हुआ है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर साइन इन कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आपके पास अगर जीमेल अकाउंट, तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट के ऊपर कर देना है क्लिक। तो सिंपली मैंने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूज योर प्लान स्टार्टेड, तो यहाँ पे आप तो देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर प्रो वर्सन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बिजनेस के लिए करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम फ्री में करेंगे, 10 GB आपको मिल जाता है यहाँ पे, तो ग्रेट बेसिक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना के रखा हुआ है तो आपको दोबारा तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और यहाँ पे आपको टिक कर देना है आई हैव रीड एंड एग्री टू द पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे कर देने के बाद क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपली ऑलरेडी मैंने अकाउंट करके रखा हुआ है, तो सिंपली मैं यहाँ पे लॉगिन के ऊपर कर देता हूँ क्लिक। लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद डेस्कटॉप साइज यहाँ पे देख लेना है, तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे सिंपली आपको जीमेल दे देना है। जीमेल देने के बाद यहाँ पे आप पासवर्ड देके साइन इन कर लेना है, ठीक है। तो मैं पासवर्ड देके साइन इन कर लेता हूँ। तो साइन इन होने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारा अकाउंट तो हो चुका है, माई फाइल के अंदर जाते हैं। तो देखिए ये हो चुका है, माई फाइल के अंदर जाने के बाद ये अकाउंट दिखा रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे से फाइल को जो है अपलोड करके रखा हुआ है। तो सिंपली आपको अगर अपलोड करना है किसी भी फाइल को, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, तो अपलोड के ऊपर जाना है, उसके बाद फ्रॉम योर माय कंप्यूटर के ऊपर कर देना है क्लिक। तो जैसे फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जाना है, तो यहाँ पर जाने के बाद आपने जहाँ पर भी फाइल को रखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल है, तो इसी फ़ोटो को यहाँ पे अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको कर देना है क्लिक। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो यहाँ पे कर देते हैं फिर से। तो ये देखिए हो चुका है। तो यहाँ पे आपको बिगेन अपलोड के ऊपर कर देना है क्लिक, तो ये आपका अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपलोड हो चुका है। तो अपलोड होने के बाद यहाँ पे कॉपी लिंक के ऊपर करना है क्लिक, नहीं तो अदरवाइज़ आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर देंगे। तो इसी लिंक को अगर आप शेयर करेंगे, मान लीजिए, तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। तो मैंने कर लिया है, डन कर देते हैं यहाँ से। डन कर देने के बाद आप इसी लिंक को अगर, तो इस लिंक को आपको ट्विटर, मैसेंजर, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब पे शेयर करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।